अभी यार चोर से मारा गया था, मुझे डर लगता है यार, जबरदस्त खतरनाक अंधेर है, लाइट डबल लेन, समझे आप, ऐसा होता है, बाइक वाले लोग कुछ चलाने की जगह नहीं देते। ये जो रास्ता ना टफ है, मैं बताता हूँ क्यों, देख के जाना। देखो ये लैंडस्लाइड हुई थी, आगे से रास्ता आ रहा है, वो कसोल का रास्ता है, तो वो भी एक हिल स्टेशन है, 32 किलोमीटर है खाली। बट जैसा आप लोगों को पता रहेगा, बजट ट्रिप है, हर जगह पे मैं रुक रुक के जा नहीं सकता, क्योंकि खर्चे हो जाए और दिन भी बढ़ जाएंगे। और मुंबई में एक कमिटमेंट है कि दूसरे जो काम है वो करने, तो ये डेट पे आ जाओ करके, तो घर जाना ही पड़ेगा। तो रास्ते में तो कितने सारे प्लेस आए, जैसे अमृतसर आया, देन फिर राजस्थान में सांभर लेक, हवा महल, फिर उदयपुर में बहुत सारी और प्लेसेस थी अच्छी अच्छी क्या चला रहा है, रुको पहले ये कर लेता हूँ, बाद में बात करता हूँ। वाह क्या ब्यूटीफुल जगह है, मस्त। मैं आऊँ की क्या मालूम, हाँ कैसे बताऊँ, कैमरा आगे अपने बैक में लेफ्ट साइड में, वहाँ पे कुछ नस ऐसे खींच, नस या मसल्स कुछ खींचा है इसके लिए, क्योंकि यही पोजीशन है ना पिछले कितने 20-25 दिन हो गए, और 12-12 घंटे गाड़ी चला रहे, तो ये पोजीशन पे थोड़ा और लेफ्ट साइड के मसल में थोड़ा इशू हुआ, तो घर पे जाके ही पता चलेगा, बाकी पूरी बॉडी में कुछ तकलीफ नहीं हुई, बाकी सब बढ़िया। सन्नी ने क्या पूछा, हाँ भाई चल तू आगे चल, इसलिए मैं सन्नी को क्रॉस नहीं कर रहा, खाली एकदम मस्त रास्ता आता है तभी क्रॉस करता हूँ, तो ये अलग अलग हो जाएगी तो क्या मज़ा ना। गूगल मैप तो मैं चालू कर दूंगा और पहुंच जाऊंगा दिल्ली, पर तो मज़ा नहीं आएगा, दोनों साथ में रहेंगे तो मज़ा आएगा। ऐसे भी मैंने बोला ना मैं सोलो नहीं हूँ, मेरे मुझे एक जन साथ में चाहिए ड्राइव करने के लिए, तो एक जन साथ में रहेगा तो मज़ा आएगा। अभी मसल पेन नहीं हो रहा है, जो मैं बता रहा था लेफ्ट साइड में मसल पेन हो रहा है, वो खाली ऐसे खड़े रह के मैंने लेफ्ट साइड राइट साइड देख रहा था तभी थोड़ा सा खींचा, क्या यार गाड़ी ठुक गई, गाड़ी उल्टी डाल दी, ठुकी नहीं, मैं राइट साइड में की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर देखो उस साइड घुसा दी गाड़ी। मंडी आया, मंडी 57 किलोमीटर है, बिलासपुर 134 किलोमीटर और चंडीगढ़ है 254 किलोमीटर। चलो भाई टारगेट तो दिल्ली का है, आज का आज ही पहुंच जाए, लेट्स सी। हाँ ऐसा रास्ता मिलता ना तो मज़ा आती है, सोलो भी ड्राइव करोगे ना तो कोई तकलीफ नहीं, मुंबई तक का ऐसा रास्ता होना चाहिए। वहाँ पर यार चोर से मारा आया था, मुझे डर लगता है यार, इसलिए एक दिन साथ में होना चाहिए, क्योंकि अपनी गाड़ी की स्पीड कितनी है, 80-90, उसके ऊपर नहीं जा सकते, और चोर से मारे ना भाई बड़ी बड़ी गाड़ी लेके आते हैं, बाइक लेके आते हैं, अपने को ठोक देते हैं, तो डर लगता है। ऐसा रास्ता रहे चोर चमार ना आए तो अच्छा लगता है। उस साइड में देखो कि आप ब्यूटीफुल लग रहा है यार, मैं तो देख नहीं सकता कि ये बाइक चला रहा हूँ, बट अगर आप लोगों को दिखता रहेगा तो देखो यार प्लीज। तो जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा था कि यहाँ पे एयरपोर्ट है, देखो प्लेन आ रहा है नीचे, वाओ, अरे यार ये लोग उल्टे क्यों आ रहे हैं, पहले बाइक वाला आया, पहले कार वाला आया, यार एक तो देखो प्लेन मस्त दिख रहा है यार, मजा आ गया देख के। रास्ते पे ध्यान देना पड़ रहा है, देखो ना उल्टा आ रहे यार, अरे लोग पेट्रोल बचाने के चक्कर में है क्या पता। हाँ तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा है, यहाँ पे एयरपोर्ट है और वो प्लेन आया, आपने देखा ना, तो आप भी आ सकते हो अगर आपको रोड ट्रैवल नहीं करना है या ना ट्रेन से ट्रैवल करना है। मुंबई में यार बहुत सारी टनल क्रॉस की, जैसे कश्मीर से आ रहे थे वहाँ पे 2-3 टनल थी, वो भी एशिया में नंबर 1 थी, देन अटल टनल वो भी एशिया की नंबर 1, और ये वापस एक दिल्ली जाते वक्त मंडी के करीब में एक, जैसे हम लोग मनाली से निकले और मंडी आता है, मंडी के आजू बाजू में ये एक टनल है, जबरदस्त खतरनाक अंधेरा है, लाइट करनी पड़ रही है, और काफी छोटी है, मतलब ऐसी छोटी है, नैरो नैरो बोल सकता हूँ, छोटी बोले तो लंबाई में नहीं, लाइन में तो काफी लंबी है, तो
तो ये यहाँ रोड वाले लोग ने जो काम किया बहुत अच्छा है, जिससे अपना टाइम बच जाता है, दैट इज गुड। एंड ये रास्ते पे लैंडस्लाइड बहुत हो चुकी थी, तो बोलते ना ये सिंगल रास्ते पे टू लेन बना दिया था। तो अगर आप आते हो यहाँ पे तो ये सब ध्यान देना, लैंडस्लाइड हुआ वहाँ पे लिखा रहे टू लेन, तो ये समझ जाना, वरना आपको लगेगा कि भाई सिंगल रास्ता है, भगाते जाओ, समझ में आया कि सामने से कोई आया तो। और ऐसे टनल में जाते हो तो लाइट चालू करो, जैसे मैंने तो की है, और सनी की लाइट देखो येलो वाली चालू बंद हो रही है, वो करो, जिससे आगे वाले और पीछे वाले को पता चले कि भाई बंदा आगे से जा रहा है, वरना पता चला वो स्पीड में चला रहा है और आपको डैश कर दे, तो ये ध्यान देना। कल अटर टर्न वाली वीडियो ना देखी तो वो भी देखो यार, क्या मजा आया था चलाने में, गाड़ी दिल खुश हो गया था। कश्मीर वाली वीडियो देखना, कश्मीर में तो दो तीन टनल आई थी यार, जबरदस्त। ये देखना ये वाली कितनी बड़ी है, जबरदस्त बड़ी है। क्या पता आपको अंधेरा भी क्या करेगा, क्यों मैं तो अभी कैमरा में देख नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो गाड़ी चलाने में ध्यान देना है ना। काफी बढ़िया रे, दिल खुश। खत्म आने फोन आएगी जब ऐसे खत्म करते ना तो दिल खुश हो जाता है। ओहो सामने का ट्रक वाले जो अचानक से कोई स्पीड में ऐसे निकले तो चलाने नहीं आता गाड़ी ये लोग को, मतलब देखा है कैसा वह सन्नी सीधा जा रहा था, अगर स्पीड में रहता वो घुस जाता तो स्लो करके देख के आना चाहिए ना उसको। ये देखो डबल लेन, समझे आप, ऐसा होता है, बाइक वाले लोग को चलाने की भी जगह नहीं देते। हाँ तो मैं बोल रहा था कश्मीर वाला देखो यार वीडियो देखो, जैसे ही टनल क्रॉस किया हम लोग कश्मीर पहुंचे, इतना दिल खुश हुआ था, और वहां का क्लाइमेट है ना, ओहो असम था। वीडियो देखो यार आप लोग भी खुश हो जाओगे। चलो ये रास्ता में क्रॉस कर लेता हूँ, संभल के चलाना पड़ेगा, जैसे आप लोग को पता है कि कैसे चला रहे लोग, ध्यान तो देना पड़ेगा ना। ये जो रास्ता ना टफ है, मैं बताता हूँ क्यों, देख के जाना। पहले तो जानवर कहीं पे भी आ सकते हैं, लेकिन इंसान चल के आ सकते हैं, ये भाई साहब लोग झुक करके आ जाते हैं। दिखाता हूँ अभी ये पॉइंट आया नहीं है, ये देखो फिर पब्लिक जो भी रीजन से गाड़ी खड़ी करती है, देखो ये कितना बाहर से आते हैं, मतलब बाइक जाने की जगह भी नहीं है, एकदम अपने को साइड से चलाना पड़ता है, तब भी ही अभी पब्लिक नहीं आ रही है, वरना आपको दिखा था, आएगी तो दिखाता हूँ। एकदम दबा के चलाना पड़ता है अपना लेफ्ट साइड से, क्योंकि का मुंह इतना बड़ा है ट्रक या बस का, जो अपने को यहाँ से कट कर मार के जा रहे हैं। देखो 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 अभी देखना, नहीं ये फिर भी डिसेंट था, अच्छा ड्राइवर था, मतलब गंदे ड्राइवर आए मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पे पत्थर भी गिर सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ था फॉलिंग रॉक जोन, ऐसा लिखा था। धूल मिट्टी भी ज्यादा है, पता नहीं कैमरा में दिखाई दे रही कि नहीं, धुंधलापन दिखाई दे रहा है। काला धुआं छोड़ रहा है साला, स्लो चलाना पड़ेगा अभी। तो ये दिक्कत है ये रास्ते पे, इससे तो अच्छे पहाड़ गए, सच बताता हूँ, मजा आ गई थी वहां से चलाने, यहाँ पे तो नहीं आ रही है गाड़ी चलाने मजा। रास्ता भी खराब है, कैमरा बंद करता हुआ अभी ये दिखा के क्या मतलब है आप लोगों को। पिछले 15 मिनट से ये मैं बाइक चला रहा हूँ, तो पहले तो मैं दिखाने नहीं वाला था, बट अभी दिखा तो बाइक का क्या फायदा होता है, साइड से ऐसे आगे आगे जा सकते हैं। यहाँ पे देखो लाइन लगी पड़ी है, ए बंदर मंकी। तो वैसे ही एक बाइक का फायदा है,
और बाइक का फ़ायदा बता दिया क्या होता है ट्रैफिक में स्पेशल, और ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो चुकी है यार। ये स्कॉर्पियो वाले ने यहाँ पे लगा दी वरना हम लोग आगे चले जाते। लैंड स्लाइड हो रही थी तो रुकना पड़ा हम लोग को भी, लास्ट में तो रुकना पड़ा, जितना आगे आना था आ लिए। लास्ट में कैसा रहता कि सामने वाले को भी रास्ता देना पड़ता ना, तो उसकी वजह से बाद में हम लोग भी अटक गए। ये लैंड स्लाइड हुई थी तो वो लोग ने साफ सुफ किया, बाद में रास्ता बनाया। हम लोग स्पीड अच्छी खासी चल रही थी बट ब्रेक लग गई। अभी क्या करें, देखते दिल्ली कब पहुँचे। गए अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, ब्रेकफास्ट भी करने बैठना है। बाद में इंस्टाग्राम पे स्टोरीज अपलोड करूँगा, फ़ोटो अपलोड करूँगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे कैसा है एवरी डे की अपडेट आती रहती है। व्लॉग तो कैसा है मैं लेट डाल देता हूँ, क्योंकि देख ही रहे हो ट्रैवल करते वक्त टाइम मिले नहीं मिले, इंटरनेट मिले नहीं मिले। बट स्टोरीज तो मैं अपलोड करते रहता हूँ, फोटोज अपलोड करते रहता हूँ, तो डू चेक। क्या हो गया, झगड़ा कर रहे हैं पुलिस वाले लोग के साथ ये लोग? झगड़ा चालू है। देखो अभी सामने है कितना ट्रैफिक है, क्योंकि अभी हम लोग का रास्ता खुला ना। ग्लव्स मैंने निकाल दिए क्योंकि अभी गर्मी लगना स्टार्ट हो गई यार। जबरदस्त गर्मी लग रही है। अभी ट्रैफिक हटे और स्मूथ रास्ता आएगा तो वापस ग्लव्स पहन लूँगा। जबरदस्त यहाँ पे हम लोग फंसे हुए हैं। 45 मिनट्स हो गए अभी तक हम लोग ने एग्जिट नहीं लिए। एक तो अपनी स्कूटर जल्दी जा नहीं सकती अभी, बिकॉज सैडल बैग लगे हुए हैं, तो देखना पड़ता है कि भाई सामान सामने वाली गाड़ी को टच हो रहा है या नहीं, वरना झगड़ा हो जाएगा ना। मतलब मैं तो नहीं करूँगा बट वो बोलेगा ना, अरे भाई क्या है संभल के चला, मेरी गाड़ी को टच हो गया। और आप लोगों को मालूम है इंसान से ज़्यादा आजकल कार और बाइक की वैल्यू ज़्यादा है। बोले मेरी गाड़ी को ऐसा कर दिया, मालूम है कितने रुपये की है? मेरी नज़र में भाई इंसान की वैल्यू है, कार बाइक की नहीं है, ये बता दूँ। हम जिंदा रहेंगे तो कार बाइक तो क्या है दूसरी खरीद लेंगे, बट इंसान ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? जो समझे वो लोग के लिए सही है, नहीं समझे उसके लिए क्या बोले। अरे वाह, रास्ता अच्छा खुल रहा था, अभी बंद हो गया। खुलेगा खुलेगा, डोंट वरी बड़ी, बी हैप्पी। ब्रेक मारना पड़ेगा, जैसे बताया नहीं जा सकते आगे। क्या आएगा क्या पुष्कर पुष्कर, वो क्या होता है, जगह का नाम है। तो क्या करने का है? अच्छा हाँ ठीक है, बोल देता कि 6 किलोमीटर बाद रुकना है, खाना खाना है, रुक जाओ अभी। घुटकर आए, घुटकर